Good morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class second, subject is English grammar. Beta, as we know our chapter second is going on and it is second part of chapter second. First part mein hum kuch chapter ka bhag complete kar chuke hain and today we will complete the remaining part, okay? So without delaying, get ready quick, take out your book and open chapter second. See, it is your chapter second. This part we have already completed. हम लोगों ने ये complete कर लिया था, मैंने आपको बता दिया था noun क्या होता है. Noun is a naming words, we have already cleared it. And कुछ worksheet one हम लोग complete कर चुके थे. Common noun भी मैंने आपको बता दिया था. Common noun क्या होता है बेटा, कोई भी किसी भी person के लिए लिया जाने वाला name. जैसे हम girl किसी को भी बोल सकते हैं, है ना. नेम फॉर एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ओके. इसकी एग्जाम्पल्स भी हम कर चुके थे. वर्कशीट सेकेंड भी हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली थी और ये जो सेकेंड का ये जो वर्क है मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन हम लोग इसको भी क्लियर कर चुके थे. नेक्स्ट वर्कशीट थर्ड भी हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली थी एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड वर्कशीट फोर. Today we will start the chapter from proper nouns. Okay, common noun आपको समझ आ गया. Common noun क्या होता है, किसी के लिए भी कोई name. ठीक है, अब इस read this story. Rehan and his friend are having fun at the Mandoline beach. ये Mandoline beach है, name है ये, है ना. The name of Rehan's friend is Ishan. Rehan has brought अमूल मिल्क चॉकलेट फॉर हिमसेल्फ एंड ईशान. ही हैज ब्रॉट वन फॉर ईशान्स डॉग स्नूपी एज वेल. इन द स्टोरी वी हैव अ पर्टिकुलर नेम फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन. देखो, ईच ऑफ द कॉमन नाउन के लिए हमने एक पर्टिकुलर नेम, जैसे कि फ्रेंड है, हैं? फ्रेंड का क्या नेम है, ईशान, है ना. और जैसे कि पपी है, डॉग है, डॉग का क्या नेम है, स्नूपी, है ना. ऐसे ही उसके लिए क्या लेके आया है, अमूल मिल्क चॉकलेट. चॉकलेट का क्या नेम है, अमूल मिल्क. बीच कौन सा है, Mandoline बीच. तो ये जो नेम है ये प्रॉपर नाउन के लिए क्या है, स्पेशल नेम है. तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, कॉमन नाउन के लिए क्या है, स्पेशल नेम है. तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. ठीक है, जैसे कि पर्सन रेहान है, प्लेस Mandoline बीच, एनिमल स्नूपी, थिंग अमूल मिल्क चॉकलेट. ये क्या है, स्पेशल नेम है. तो दिस स्पेशल नेम इज अ प्रॉपर नाउन. इन स्पेशल नेम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स हैव स्पेशल नेम. आपको पता है सब कॉमन नाउन के स्पेशल नेम होते हैं. ठीक है, और एक और चीज़, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं. यहाँ भी देखो, स्नूपी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट है, अमूल मिल्क चॉकलेट कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट है, रेहान कैपिटल लेटर से, Mandoline बीच कैपिटल लेटर से. तो हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं. ठीक है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग का नेम होता है, यानी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नेम होता है प्रॉपर नाउन. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ्स आर ऑल प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, स्पेशल डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आर प्रॉपर नाउन्स टू. सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू. ठीक है, ये लोग, ये एग्जांपल भी आप लोग रीड कर लोगे, ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. वर्कशीट फाइव, आई एम फ्रेडी. हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रेडी द फ्रॉग एंड आई हैव चैलेंज फॉर यू. एक चैलेंज है आपके लिए, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन वर्सेज प्रॉपर नाउन. इसको कॉमन नाउन वर्सेज प्रॉपर नाउन कहते हैं. अ लिस्ट ऑफ नाउन्स इज गिवन इन द बॉक्स. यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें आपको नाउन्स के नेम दिए गए हैं. ठीक है बेटा, नाउन होता है, नाउन के हम लोगों ने टाइप पढ़े हैं कॉमन और प्रॉपर. ये सब नाउन है, इनमें भी टाइप है कॉमन और प्रॉपर. आपको क्या करना है, कैटेगराइज देम एंड राइट देम अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम.
कॉलम्स रिमेंबर टू कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज भी करना है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज नहीं किया गया है। जैसे चंडीगढ़ नेम ऑफ प्लेस है, प्रॉपर नाउन है तो अपन इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, जूम क्लासेस हमारी चल रही है, मैंने उसमें फिल कर ली थी ये बुक, एंड यू विल सी इट एंड फिल इट। फर्स्ट यू विल ट्राई टू डू योर सेल्फ, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द वीडियो। ओके, टर्न द पेज, सी वहाँ जो वर्ड्स थे सारे वर्ड्स को हमने कैटेगराइज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट सिक्स, राइट अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन विद द फॉलोइंग लेटर्स। ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं TM, इनसे आपको एक कॉमन नाउन लिखना है और प्रॉपर नाउन, जैसे टेडी टीना, मॉल मनन। हम ऐसे भी लिख सकते थे कोई भी सेम वर्ड, जैसे डॉग और डॉग का नेम स्नूपी, ऐसे भी हम लिख सकते थे, जैसे कि बीच और मंडोलाइन बीच, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते थे और मैंने सेपरेटली लिख दिया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को क्या करना है, सर्कल करना है, और प्रॉपर नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सम सेंटेंसेस आर गिवन टू यू, सो वी हैव ऑलरेडी डन इट, यू विल जस्ट ट्राई टू डू फर्स्ट योर सेल्फ। आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल ट्राई टू डू योर सेल्फ, खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीना देखो प्रॉपर नाउन है, ड्रेस कॉमन है, अंकल ये कॉमन है, डेंटिस्ट कॉमन है, सान्या प्रॉपर है, उदयपुर प्रॉपर है, टीना एंड तान्या प्रॉपर नाउन है, फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, फ्राइडे प्रॉपर नाउन है, होलीडे कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन है, सॉल्ट लेक सिटी प्रॉपर नाउन है, मदर कॉमन नाउन है, अपोलो हॉस्पिटल प्रॉपर नाउन है। गॉट इट? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन्स। नाउन्स के और भी टाइप हैं। नाउन अभी हमने नाउन क्या पढ़ा, अभी हमने नाउन को पढ़ा क्या पढ़ा, प्रॉपर और कॉमन। अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे होता है, देयर इज सो मच टू चूज फ्रॉम द टेबल, बहुत कुछ है टेबल पर चूज करने के लिए। हाउ मेनी एग्स आर देयर, कितने एग हैं, टू राइट, टू एग्स है ना। कैन यू काउंट मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हैं, कितने मिल्क हैं, नो वी कांट काउंट द मिल्क। नाउ काउंट एंड राइट, देयर आर बनानास, देखो 1 2 3 3 बनानास है, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न 3। देयर आर एप्पल्स, काउंट द एप्पल एंड राइट द नंबर, 6 एप्पल्स आर देयर, दैट मीन्स बनानास एंड एप्पल कैन बी काउंटेड। बनानास और एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन बेटा वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 pencil 1 book है ना, और ऐसे भी कर सकते हैं हम 3 book 3 pencils, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं बच्चे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल है, ऑयल की बॉटल को काउंट कर सकते हैं बेटा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क की बॉटल या ग्लास को काउंट कर सकते हैं लेकिन मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, है ना, जूस को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, दैट इज अ एन अ फ्यू सम मैनी लॉट्स ऑफ और एनी वर्ड्स which can be added to the countable noun। ये कुछ ऐसे words हैं जिनको हम countable noun के सामने यानी उनसे पहले add कर सकते हैं, और कुछ words दिए हुए हैं, some, a little, much, any, plenty of, a lot of, much are words which can be added to the uncountable noun before uncountable noun में add किए जाते हैं, जैसे an apple count कर सकते हैं, an apple का मतलब एक apple, a little sugar थोड़ी सी चीनी, sugar को हम count नहीं कर सकते, तो a little sugar। okay, वर्कशीट 7, इसमें आपको कलर करना है बेटा, कौन सा कलर करना है, देखो मिनी एंड सुहेल, सुहेल और मिनी है दोनों, आर रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, कलर द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को आपको कलर करना है ब्लू, ठीक है, और अनकाउंटेबल को ग्रीन करना है। कैन यू डू इट? ओके, नाउ कम ऑन द वर्कशीट 8, सी
यूजेज इन कंपोजिशन. वॉट इज गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये देखेंगे आप. फिल इन द ब्लैंक्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन गिवन इन द क्लू बॉक्स. ये देखो क्लू बॉक्स दिया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी डन इट. तो देखो क्या करना है, द टू चिल्ड्रन, देखो टू चिल्ड्रन है, काउंट किया हमने, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दो बच्चे खेल रहे. दे आर वियरिंग कैप्स, उन्होंने कैप्स पहनी हुई है, एंड बूट, बूट भी पहने हुए हैं. दे हैव मेड अ ह्यूज स्नोमैन, देखो उन्होंने स्नोमैन बनाया है. दे हैव यूज टू स्टोन्स, टू स्टोन्स का यूज़ किया है उन्होंने, टू मेक हिज आइज, आइज बनाने के लिए. दे हैव यूज अ लॉट ऑफ स्नो, बहुत सारा स्नो यानी बर्फ का यूज़ किया है उन्होंने, टू बिल्ड द स्नोमैन, स्नोमैन को बनाने के लिए. इफ द सन कम्स आउट द स्नोमैन, यदि सूर्य यहाँ पर निकला तो स्नोमैन विल टर्न इन टू वाटर, स्नोमैन वाटर में चेंज हो जाएगा. हाँ, ये वर्ड्स हमने यहाँ से लिए हैं. ठीक है, एक हॉट्स क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है. देयर इज़ अ बॉय इन योर क्लास हु बुलीज वन योर फ्रेंड, एक लड़का है जो कि आपके फ्रेंड पर दादागिरी करता है, बाई कॉलिंग हिम और हर विद फनी नेम्स, उसे फनी नेम से पुकारता है. वट विल यू डू, आप क्या करोगे. सो आंसर इज़ वेरी क्लियर, मेक द बॉय अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक पोलाइटली. आप भी यही करोगे, क्योंकि अगर हम भी उसकी तरह फाइट करेंगे या फिर बुलिंग करेंगे तो वो हम और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा. सो वी विल मेक इट हिम पोलाइटली, मेक हिम अंडरस्टैंड पोलाइटली, उसे अच्छे से समझाएंगे. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.